सचिन वाजे मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि मनसुख मर्डर केस की छानबीन अब एटीएस की जगह एनआईए को करने का आदेश मिल चुका है, जिसके बाद सचिन वाजे की मुश्किलें और भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल आज हम आपको एक ऐसी अहम जानकारी से भी रूबरू करवाएंगे जिसको लेकर कई सवाल भी खड़े हुए हैं। सवाल ये भी है कि आखिर 27 फरवरी को 12 बजे अचानक सचिन वाजे ने एंटीलिया मामले को लेकर हो रही तमाम जांचों को क्यों रोकने का आदेश दिया था। इन्हीं तमाम बातों से आज हम आपके साथ मिलकर के पर्दा उठाएंगे। सचिन वाजे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर यानी एपीआई रैंक के अधिकारी हैं। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह का दावा है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख वाजे सहित उनके कुछ जूनियर अधिकारियों को वरिष्ठों को बिना बताए उन्हें बुलाते थे और उनसे कलेक्शन करने के लिए कहते थे। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो जांच के बाद पता चलेगा, पर इस पूरे मामले में एक नए खुलासे ने परमबीर सिंह के आरोपों को कुछ वजनदार जरूर बना दिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के एक विश्वस्त सूत्र के अनुसार सचिन वाजे ने 27 फरवरी की दोपहर 12 बजे क्राइम ब्रांच की सभी टीमों को मुकेश अंबानी केस के इन्वेस्टिगेशन से रोक दिया था। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर वाजे ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया, आखिर उसका कद इतना बड़ा क्राइम ब्रांच में कैसे हो गया कि उसने एक साथ 10 टीमों की इन्वेस्टिगेशन को रोकने का फैसला ले लिया। सवाल ये भी है कि आखिर वह मुंबई पुलिस कमिश्नर के अंडर काम कर रहा था या फिर राज्य के गृह मंत्री के अंडर में। मुकेश अंबानी की एंटीलिया बिल्डिंग के पास 25 फरवरी की रात 2:18 पर जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो को खड़ा किया गया था। उस स्कॉर्पियो का ड्राइवर पीछे खड़ी इनोवा गाड़ी में बैठकर चला गया था। अब जांच में यह पता चला है कि वह कार उसी क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट यानी CIU की थी जिसके प्रभारी सचिन वाजे थे। इस यूनिट के एक अधिकारी रियाज काजी को NIA ने वाजे के खिलाफ बुधवार को यानी 24 मार्च को अपना प्रमुख गवाह भी बना लिया है। आपको बता दें कि इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच की 10 टीमें कर रही थी। 25 फरवरी की रात मुकेश अंबानी की बिल्डिंग के पास जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी को खड़ा करने की खबर मीडिया में करीब 12 से 14 घंटे बाद सार्वजनिक हुई थी। इसके बाद 26 फरवरी को मुंबई क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बाबत मीडिया को ब्रीफ भी किया था कि इस इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम ब्रांच की 10 टीमें बनाई गई हैं। क्राइम ब्रांच की इन सभी टीमों ने अपनी जांच शुरू कर दी थी। उसी समय CCTV फुटेज हाथ लगे जिसमें यह पता चला कि मुकेश अंबानी की बिल्डिंग के पास पहुंचने से पहले स्कॉर्पियो और इनोवा गाड़ी के ड्राइवर करीब 5 मिनट तक सायन सर्कल पर एक साथ रुके हुए थे। इससे पहले वह थाने से 200 से 300 मीटर की दूरी पर अपनी अपनी गाड़ियों को ड्राइव कर रहे थे। CCTV फुटेज में दोनों ड्राइवरों के सायन में रात में रुकने का टाइम भी आ चुका था, इसलिए बनाई गई 10 टीमों में से एक टीम ने सायन की संबंधित जगह के सेल टॉवर से उस वक्त का डंप डेटा भी निकाला और संबंधित मोबाइल कंपनी को अर्जेंट इसकी डिटेल भेजने का आदेश दिया। क्राइम ब्रांच यह जानना चाहती थी कि आखिर उस वक्त कौन कौन से मोबाइल नंबर उस सेल टॉवर की रेंज में आए थे। 27 फरवरी की सुबह इसकी पूरी डिटेल मुंबई पुलिस मुख्यालय में आ चुकी थी और उसके बाद दिन में 12 बजे सभी 10 क्राइम ब्रांच की यूनिट्स को अचानक मौखिक आदेश देकर यह कहा गया कि अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन आप लोगों को नहीं करनी है। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी की माने तो उन्हें उस वक्त ऐसा लगा कि शायद यह मामला सॉल्व हो चुका है, इसीलिए उन्हें इस केस को आगे जांच न करने का आदेश दिया गया है, जबकि हकीकत कुछ और थी। असल में सायन के सेल टॉवर के डंप डेटा की डिटेल से सचिन वाजे डर चुका था। उसे लगा कि उसकी पोल खुल गई है, इसी कारण उसने क्राइम ब्रांच की सभी 10 टीमों को यह केस आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए रोक दिया था। आरोप है कि उसने बाद में इस केस के प्रमुख गवाह मनसुख हिरेन की हत्या भी करवा दी थी। इस मामले के साथ कई और भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या सचिन वाजे जैसा एक एपीआई रैंक का अधिकारी इतना ताकतवर हो सकता है कि वह क्राइम ब्रांच की टीमों को किसी केस की जांच से रोक दे? ऐसा क्यों हुआ? मुख्य आरोपी होते हुए भी मुंबई क्राइम ब्रांच में सचिन वाजे को ही यह केस जांच के लिए क्यों मिला?
इसकी भी जांच फिलहाल चल रही है। सचिन वजीर की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने मुंबई पुलिस मुख्यालय स्थित क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के दफ्तर में करीब 12 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया था। संभव है कि आने वाले दिनों में इस केस में क्राइम ब्रांच के ही कुछ टॉप रैंक के अधिकारियों को भी स्टेटमेंट के लिए बुलाया जाए। खास बात यह है कि सचिन वजीर के मामले की पृष्ठभूमि में मुंबई क्राइम ब्रांच इतनी ज्यादा बदनाम हो चुकी है कि नए पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने 23 मार्च को एक आदेश निकालकर लगभग पूरी क्राइम ब्रांच को साफ करने का आदेश दिया और तकरीबन 65 अधिकारियों का ट्रांसफर किया।